तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने ऑडियो कन्वर्टर बनवा लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखें ये कैसे बनाया है। HTML प्योर जावा स्क्रिप्ट यूज करके बनाया है मैंने, तो आप इसके लिए पूरा वीडियो देखें। ये पूरा टोटली काम करेगा, जो भी आप टाइप करोगे उसको कन्वर्ट करके तुरंत इंस्टेंट बता देगा। इसके लिए कोई आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट बता देगा जो भी है। और इस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे है। तो आपको आपको सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है टेक्स्ट टू फाइल वाला, उसमें फिर आपको HTML के लिए फाइल इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेना। तो वहाँ से आप जो नॉर्मल ये है आप सिंटेक्स यूज कर लीजिएगा डायरेक्ट, और फिर टाइटल दे दीजिए टेक्स्ट टू ऑडियो स्पीच कन्वर्टर, जो भी आप देना चाहते हैं टाइटल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बॉडी में आप डिव ले लीजिए और डिव के अंदर क्लास दे दीजिए जो भी है आप देना चाहते हैं। ये तो HTML आपको सिंपल सिंटेक्स है जो भी वगैरह है, तो इसमें ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटी नहीं है। आप तो HTML तो आप खुद भी कर सकते हो और CSS भी उतना, क्योंकि ये मैं सिंपल बनाया। मेन है जावास्क्रिप्ट, तो वो भी उसके लिए भी ज़्यादा कोड नहीं है, तो वो भी सिंपल ही है, ज़्यादा आपको नहीं करने पड़ेगा मेहनत, तो सिंपल है। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ज़्यादा और ध्यान से देखें, ताकि स्टेप मिस ना करें और ताकि बाद में आपको एरर का प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। तो इस पूरा अच्छा से देखें, और जो भी अब मैं करता हूँ वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और अगर जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में कर सकते हैं, और अगर सोर्स कोड भी चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो के लिए वीडियो ऐसे ही देखते रहें, और सोर्स कोड के लिए कमेंट में ज़रूर करें। तो देखें यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे रहा हूँ कि उसके अंदर के, ताकि इंटर टेक्स्ट या तो यहाँ पे पता चले कि यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे लिखना है। तो बटन में एगो डिसाइड कर देता हूँ बटन, उसके अंदर फिर ID दे दूँगा। तो ये सब ध्यान दें कि जो भी ले रहा हूँ, क्योंकि ये ID दे रहे हो उसको बाद में यूज करो, तो कैपिटल स्मॉल का चेक कर लें, ताकि बाद में दिक्कत ना हो कि स्मॉल हो गया था वहाँ पे, फिर वहाँ पे आप CSS में यूज कर रहे हो वहाँ पे स्मॉल है यहाँ पे कैपिटल है, तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी यूज करता हूँ। यहाँ HTML कम्प्लीट हो चुका मेरा, CSS के लिए आप फाइल बना लें, और लिंक करने के लिए लिंक टाइटल का यूज कर लें, जो भी आप लिंक टैग का यूज करके अपना CSS और स्टाइल CSS जो क्रिएट किया था मैंने फिल कर दिया। अब CSS का बढ़िया, तो अब यूनिवर्सल सेलेक्टर से आप ऑटो मार्जिन दे दें, पैडिंग 0 दे दें, और बॉर्डर स्विचिंग भी आप बॉर्डर बॉक्स कर दें। तो ये तो सिंपल है, आप हमेशा यूज कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली भी यूज करना चाहो तो फॉन्ट फैमिली भी यूज कर सकते हो। बाकी बॉडी के लिए डिसाइड करते हैं, 100 VH मैंने लिया, हम मुझे फुल स्क्रीन चाहिए 100 VH का, और हाइट का भी फुल VH चाहिए। तो ये सब देख सकते हो, जो भी है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और लास्ट तक देखो। तो ऐसे वीडियो बने रहें, और आप ध्यान से वीडियो देखें और समझें जो भी मैं कर रहा हूँ। इधर लाइव आपको दिख रहा होगा और जो भी मैं लिख रहा हूँ चेंज हो रहा है, तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें।
my heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not real. Been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you find it, too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. सॉरी गाइस, यहाँ पे ध्यान नहीं रहा है। अब मैंने बटन को डिज़ाइन करना ही भूल ही गया, कुछ बहुत सारे सीएसएस को भी करना भूल गया। बटन से रिलेटेड जो भी था वो मैंने किया ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं स्पीच का बटन जो लिया था, आईडी लिया था वहाँ से, उसको फिर फिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जाके सीएसएस में फिक्स कर लीजिएगा। इसके लिए सॉरी, हम ध्यान नहीं दे पाए थे और अभी पता चला कि तो मैंने सेट किया ही नहीं, क्योंकि और नॉर्मल के नॉर्मल ही जो बटन और बाई डिफ़ॉल्ट रहता है वैसे ही था। तो यहाँ पे आप जाके सेट कर लीजिए जो भी सीएसएस में लिख रहा हूँ, और फिर पॉइंटर ये सब भी नहीं कर पाया था। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जाके बैक जाकर चेंज कर लो, और जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ सीएसएस का फिर से टाइप कर सकते हो जाके। तो ध्यान से देखें वीडियो। Calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you find it, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name, calling out your name. Tell me how you're feeling since you got me. तो गाइज़, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है मेरा सारा कोड, HTML JavaScript और CSS का मेरा सारा कम्प्लीट हो चुका था। तो शायद अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे एरर आ रहा था, तो यहाँ पे फिक्स कर लेंगे जो सेमी कॉलम का दिक्कत था। और यहाँ पे वैल्यू में एक वी स्मॉल होगा, तो यहाँ पे ये भी फिक्स कर लो लीजिएगा।
Hello. Hello. How are you? Please subscribe my channel. Thank you.